Hello friends and welcome to my channel Learning and Speaking. Today we discuss what is the meaning of future continuous tense. Future continuous tense, when sentence finished on raha hoga, rahe hoge, rahi hogi, then we say that it is a sentence of future continuous tense. In this tense we use will be, shall be as a helping verb. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में जब भी कोई वाक्य रहा होगा, रहे होगे, रही होगी पर समाप्त होता है तब हम कह सकते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का वाक्य है। इस टेंस में विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, द सेंटेंस इन विच द डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, विल, थ्रेट, प्रॉमिस आर एक्सप्रेस, सो will is used with ing and shall is used with he, she, it, name and you, they. जिन वाक्यों में दृढ़ निश्चय, आदेश, वसीयत, धमकी, वादा आदि की इच्छा प्रकट हो तो वहाँ will का प्रयोग I और we के साथ किया जाता है और shall का प्रयोग he, she, it, name और you, they के साथ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज, इन फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस देर आर सेम वर्ड्स दैट इवन इफ दे कम इन सिंपल सेंटेंस द यूज ऑफ विल बी शैल बी चेंज अमॉन्ग देम सेल्फ। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगर साधारण वाक्य में आ जाए तो भी विल बी शैल बी का प्रयोग आपस में बदल जाता है। थर्ड पॉइंट, वेन एवर दिस वर्ड फर्स्ट ही, भी, अवश्य, जरूर, पक्का, समय सीमा तक आर यूज इन द सेंटेंस देन वी यूज शैल बी विद ही, शी, इट, नेम, यू, दे एंड विल बी यूज विद आई एंड वी। जब भी कभी वाक्य में ही, भी, अवश्य, जरूर, पक्का, समय सीमा तक आदि शब्द प्रयोग होते हैं तब ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ शैल बी और आई वी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल ज़रूर घर पर अकेली खेल रही होंगी, आई विल बी प्लेइंग लोनली एट होम टुमारो। इस वाक्य में ज़रूर का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फॉर मेकिंग दिस सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य जिनको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल हम वार्षिक परीक्षा दे रहे होंगे, We shall be taking the annual examination tomorrow. वाक्य में हम अर्थात we सब्जेक्ट है, shall be helping verb है, they अर्थात taking verb की first form plus ing है और बाकी हमारा object है। Second example is, उस समय बड़े काम कर रहे होंगे, the carpenter will be working at that time. इसमें the carpenter हमारा subject है, will be helping verb है, working अर्थात काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फॉर मेकिंग दिस सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नहीं वाले वाक्य जिन वाक्यों को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री इस समय भाषण नहीं दे रहे होंगे, द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी डिलीवरिंग अ लेक्चर एट दिस टाइम। इसमें प्राइम मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है, दे अर्थात डिलीवरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी हेल्पिंग हिज फादर दिस डेज, वह इन दिनों अपने पिता की सहायता नहीं कर रहा होगा। इस वाक्य में ही अर्थात वह हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है, सहायता अर्थात हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर मेकिंग दिस सेंटेंस वी यूज विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
अब आते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, जिनको बनाने के लिए हम विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम उसे बार बार मिलते रहोगे? विल यू बी सीइंग हिम अगेन एंड अगेन? इसमें विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यू अर्थात हम सब्जेक्ट है, सीइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। इन एग्जाम्पल, क्या वह सदा के लिए विदेश जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग अब्रॉड फॉर फॉर एवर? इस वाक्य में विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही अर्थात वह सब्जेक्ट है, गोइंग अर्थात जा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले वाक्य। फॉर मेकिंग दिस वी यूज विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इन वाक्यों को बनाने के लिए हम विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह कल शाम को मैच नहीं खेल रहा होगा? विल ही नॉट बी प्लेइंग द मैच द नेक्स्ट इवनिंग? इसमें विल बी हेल्पिंग वर्ब है, ही अर्थात वह सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, खेलना अर्थात प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या जंगल में शेर जानवरों को नहीं मार रहे होंगे? विल द लायंस इन द फॉरेस्ट नॉट किलिंग द एनिमल्स? इस वाक्य में विल बी हेल्पिंग वर्ब है, द लायंस इन द फॉरेस्ट सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, मार अर्थात किलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।